हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। ये रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए रिव्यूज़ को आप देख सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए रिव्यूज़ सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल्पेनलीबे का 25th ईयर सेलिब्रेशन मिल्कियर जो आइटम है। अब इसमें दो फ्लेवर आपके लिए लेके आए हैं। हम इनका कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा फ्लेवर हमें बेटर लगता है। तो कंपनी ने जो दावा किया है दोस्तों, हम पहले जो ये फ्लेवर आपके लिए मैं है ये है, आप देख पा रहे होंगे, क्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी का कलर से पैकेजिंग सही लगता है। ये देखिए किस तरह से क्रीम मिल्क को और स्ट्रॉबेरी को मिक्स किया गया है। और जो दूसरा प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं वो है रिच मिल्की कैरेमल टॉफ़ी। आप देखते हैं यार, ये मिल्की किस तरह से इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने ये इसको अनबॉक्स करना बड़ा ईजी है। ये इसमें एक ये पॉइंटर दिया रहता है, तो हम इसको पकड़ के यूँ घुमा देंगे तो ये खुल जाएगा। इसी तरह ये दूसरे प्रोडक्ट में भी ये सेम रहता है, हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये खुल जाता है। तो मैंने इसको पहले से खोल के रखा आपके लिए एक दूसरे पैकेट में से। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये आप ये इसके अंदर भी पैक्ड रहता है। तो जहाँ तक इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट हमें ग्रीन डॉट है, दोनों प्रोडक्ट पे ग्रीन डॉट रहता है, क्योंकि ये देखिए इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों के दोनों। ये हमारे लिए प्रोडक्ट वेजिटेरियन लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साल भर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सारा डिटेल्स इस पे यहाँ पे रहता है। और ये 36 ग्राम आइटम है और इसका 20 रुपया मूल्य रहता है। ये आप इसको थोड़ा सा कवर को इधर करेंगे तो ये सारा इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारी डिटेल्स रहती हैं। तो प्लीज़ आप चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। तो दोस्तों, इनको जब हमने अनबॉक्स किया तो इसमें से ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे सामने निकल के आया है। ये स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है और ये मिल्की वाला है। तो कलर का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, ये रेडिश है, लाल रंग में है, ये चॉकलेट कलर में है विद मिल्की जो है थोड़ा इसके अंदर है। तो मैं अब जल्दी से पहले चॉकलेट वाले को आपको खोल के दिखला देता हूँ। और मुंह में तो पानी आ रखा है। अगर आपने टेस्ट किया है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। ये दोस्तों देखिए, ये मैंने इसको खोल के बाहर निकाल दिया, छोटा सा ये इसमें फर्दर पैकेजिंग रहता है। और मैं एक ये स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर भी जल्दी से आपको पहले कलर दिखाने के लिए खोल देता हूँ। इनको साइड में रखते हैं, कूड़ेदान में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अगर आप देख पा रहे हैं मैं अभी, ये इनके दो कलर हैं अलग अलग, ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये मिल्की वाला है और ये स्ट्रॉबेरी वाला है। स्ट्रॉबेरी वाले में जिस तरह से इन्होंने कंपेयर है, देखिए किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाया है, ये जो एडवर्टीजमेंट किया है ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट बन पड़ा है। ये देखिए अब आप देख पा रहे होंगे। और जिस तरह से चॉकलेट पे इन्होंने किया है उस तरह से ये प्रोडक्ट भी बन पाया, आप ये देख पाएंगे। अब मैं पहले चेक करता हूँ एक छोटा बाइट लेके मिल्की वाले को और बताते हैं इसका कैसा फ्लेवर है। ज़बरदस्त क्रंची आइटम है, ज़बरदस्त हार्ड चॉकलेट टाइप बोल सकते हो। तो अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को। देखिए अंदर इसमें मिल्क फिल्ड है, इसमें भी है, डिज़ाइन भी बनाया है। अब ये काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने। तो यार जो टेस्ट की जहाँ तक बात है, स्ट्रॉबेरी को जब आप इस प्रोडक्ट को उठाते हो तो ये दूर से ही स्मेल करता है कि यस इट इज़ स्ट्रॉबेरी। आप आँख बंद के भी खुशबू से ही बता सकते हो। चॉकलेट वाले में उतनी खुशबू तीव्र तेज़ उतनी खुशबू नहीं है, लेकिन जहाँ तक टेस्ट की बात है, मुझे पर्सनली तो मैं बात करूँ आपको तो मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, लेकिन जो यहाँ पर बात करें जो टेस्ट आपकी बड्स महसूस कर पाते हैं मुँह में, वो स्ट्रॉबेरी को ईजिली आप पहचान पाओगे। नेचुरल सा लगता है, इसमें नेचुरल एज सच कुछ ऐसा है नहीं प्रोडक्ट। तो आज के लिए विनर जो नेचुरल के नज़दीक जितना ले जा पाई ये कंपनी स्ट्रॉबेरी है, और चॉकलेट फ्लेवर मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैं आज स्ट्रॉबेरी के साथ हूँ इन दोनों प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, अगर आपने इसको यूज़ किया तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें आपको कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। और आप चाहते हैं मैं कोई नया प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू करूँ तो मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैं वो करूँगा। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए यम्मी रिव्यू में। थैंक यू दोस्तों।